जन्मभूमि टाइम से मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं वास टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बरेली जिले के बहेड़ी क्षेत्रों में त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त रहे। अधिकांश जगहों पर दोनों समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर पर्व का आनंद लिया। लोगों ने एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद भी दी। ईद उल अजहा का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ शांति और सौहार्द भरे माहौल में मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बकरईद की विशेष नमाज अकीदत के साथ अदा की और जीवन में उन्नति, खुशी, समृद्ध और देश में शांति की सलामती की दुआएं मांगी। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरईद की मुबारकबाद भी दी। मौके पर लोगों ने सेवैयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया। बड़े बूढ़े सहित खासकर बकरईद को लेकर बच्चे अति उत्साहित थे। सुबह बकरईद की विशेष नमाज पढ़कर लोगों ने खुदा राह में बकरे और भेड़ आदि की कुर्बानी की। अल सुबह से ही लोगों में इत्र की खुशबू बिखरते मस्जिदों की ओर कूच करने लगे। खचाखच भरी मस्जिद में स्थान के अभाव में देर से पहुंचने वालों को दूसरी मस्जिदों में जाना पड़ा। परंपरा को निभाते हुए कई मस्जिदों के बाहर भी नमाज पढ़ी गई। नए वस्त्रों में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग नए वस्त्रों में ईदगाह और मस्जिदों की ओर उत्साह के साथ जाते देखे गए। बरेली जिले की तहसील बहेड़ी में ईदगाह, मियावली मस्जिद, बाजार वाली मस्जिद, ताज मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और अन्य मस्जिद तमाम ईदगाहों पर बकरईद को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती गई। विभिन्न स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। जगह जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ईदगाह में नमाज अदा करने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर भी प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। SDM पारुल तरार और CO बहेड़ी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी लगातार भ्रमणशील रहे। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।